तो गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? तो मेरा पेमेंट आ गया फर्स्ट, जो कि 4 लाख रुपए आया है। तो मैं जा रही हूँ बाइक लेने। आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को दिखाते हैं कैसे लेती हूँ और कैसे नहीं। पूरे ब्लॉग में बने रहिए गाइस। देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं एजेंसी, और अभी पापा नहीं आए हैं, वो ऑफिस में है, वो आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग बाइक लेवाएंगे। आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए, आगे आप लोगों को दिखाते क्या होता है क्या। तो हम लोग बाइक पसंद करने जा रहे हैं गो टाउन में से। वहाँ पे जो थी वो यहाँ पे होगी ना, कहाँ है? ये सब पुरानी है एकदम, ऐसा लग रहा है एकदम कबाड़ हो गई है। तो ये कौन सी थी? हाँ शायद यही थी, यही है, हाँ यही है। लेकिन कबाड़ अभी धुली जाएगी, चल यही थी। नहीं लेकिन ये बहुत और कबाड़ है, मतलब बहुत गंदी है। इतनी सारी बाइक खड़ी है यहाँ पे, ये सब खरीदेंगी, सब सब खरीदेंगे। तो पैसा कौन देगा, तुम दोगे? ये मैं क्या बोल रही थी, वो वाली जो हम लोगों ने पसंद की ना, उसमें कुछ स्क्रैच है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे, मारे 2 घंटा कैमरा खराब करते हैं, तो जा रहे हैं अभी नीचे। तो आप लोग इतनी सारी बाइक खड़ी है, बहुत सारी है, सब 1-2 करोड़ की होंगी। वैसे मैं बताऊँ आप लोगों को, मुझे ना सब कुछ नहीं पसंद है, मुझे ना फॉर्च्यूनर लेना है। मैं जब लूँगी ना फॉर्च्यूनर लूँगी, मुझे पता है बहुत टाइम लगेगा, पर लूँगी जरूर मैं फॉर्च्यूनर लूँगी। और अभी चलिए देखते हैं कौन सी पसंद आती है। ये देखिए इतनी सारी बाइक खड़ी है, ओ गॉड, 2 करोड़ की है ये सब। देखो ये मुझे मार रहा है, और ये घर जाने वाला है अपने, फिर भी मुझे मार रहा है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो मेरी बाइक नहीं थी, वो इसके पापा की बाइक थी, मतलब मेरे जीजू की बाइक थी वो लिए। और आज मेरा बेटू अपने घर जा रहा है न्यू बाइक से अपने पापा और मम्मी के साथ। बोलो बेटू, घर जा रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत गंदे हो तुम, पहले बोलो कैसा लग रहा है बताओ। ये पूरा टाइम मोबाइल चलाता है, पूरा टाइम 1 मिनट के लिए भी फोन, कोई पुलिस भेज दो उसी से डरता है ये पुलिस वाले से। बोलो 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 जल्दी बोलो कैसा लग रहा है। इसका एक मतलब इसके पापा का पुराना फोन है हमेशा लिए। पहले बताओ घर जा रहे हो आज, मत जाओ। ये बोलता है ना मुझे आईफोन ट्रूस। यार बोल दो घर जा रहे हो आज लास्ट में। वो ये देखिए गाइस, मैं ये या झूठे लाड ऐसे मैं बताऊं, इसके पापा ना वो जो बाल बनाने वाले मशीन नहीं होते वो लेके आए थे, ये चुपके से बना लिया। ये रघुआ बन गया ये एकदम पागल। कैसे बनाया, कहाँ पे रखी थी मशीन बोलो? इसी मेरा भी बना दो थोड़ा। तो अभी वैसे जो बीच चलो उठो काट दो, कहाँ लगा है ये। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। ये सुबह के 5 बजे से उठ के तैयार हो गया अपने घर जाने के लिए। क्या नाक बह रही क्या तुम्हारी? जा रहे हैं अपने घर। चलो तुम चलते हैं, आओ। ये चलता है अपने घर, जा रहा है अपने घर, आता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब जाने लगता है तो बहुत अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। अब घर पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, टाइम भी नहीं पास होगा। ये रहता है तो हमेशा हाँ। बोलता रहता है, ये फिर खेलत है, फ्री फायर खेल रहा है ये। अभी देखिए हम जो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं क्या तुम भी काम करते हो? तो हाँ हम भी काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। और उठकर चला गया है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है घर से, और पता नहीं बहुत जल्दी आएगा किसी पता नहीं।
तो गाइस देखिए मैं सब्जी बनाने जा रही हूं। मैंने सब्जी काट दी है, आलू और क्या बोलते हैं कुंदरू, है ना, आलू और कुंदरू की सब्जी काट दी है। परवल परवल, ए मान इसे परवल नहीं, इसे कुंदरू बोलते हैं। देखो पहले ये कुंदरू है, आलू और कुंदरू की सब्जी मैंने काट दी है। और मैं बताती हूं मेरे घर में सबसे अच्छी सब्जी मैं ही बनाती हूं और खाना भी सबसे अच्छा मैं ही बना लेती हूं। और मैं बनाने जा रही हूं अभी, और मेरी दीदी चली गई, बहुत डिप्रेशन में आ गई, तो उनको पटाके तो बहुत सारा काम करवा लेती थी उनसे मैं, लेकिन अब चली गई अकेले, मुझे करना पड़ेगा, ये कुछ करती नहीं है, महारानी उससे ही करवाती है। और मैं बनाने जा रही हूं, आप लोग ब्लॉग बने रहिए, देखते हैं, देखिए आप लोग कि मैं कैसे सब्जी बनाती हूं, इतनी टेस्टी ना, एक नंबर, सबको एकदम पसंद आ जाएगी। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखिए।